हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। ये दोस्तों बहुत ही इफ़ेक्टिवली वर्क करता है और समझने में भी बहुत आसान है, और मैं इसको बैक टेस्ट करके भी दिखाऊंगा। तो ध्यान से बिना वीडियो को स्किप किए पूरा देखिएगा प्लीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। ये गाइस HDFC लाइफ का चार्ट है। सबसे पहले आपको इसे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ओपन कर लेना है। इसके बाद इंडिकेटर में जाएंगे और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को प्लॉट कर लेना है। ये प्लॉट हो गया, लेकिन अभी सेटिंग में जाके इसको 50 पीरियड का मूविंग एवरेज यहाँ पे लगाएंगे। चलिए कुछ इस तरह से लगा लेंगे। चलिए प्लॉट हो गया अपना। करना क्या है चलिए समझ लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये 50 पीरियड मूविंग एवरेज को कितना रिस्पेक्ट देता है। ये देखिए अपना दिन यहाँ पे खुला, यहाँ पे गया, देखिए यहाँ पे घूमते रहा, फाइनली इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ और 50 पीरियड के मूविंग एवरेज के नीचे, और देखिए बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। चलिए और पीछे बैक टेस्ट करते हैं। ये देखिए सुबह 9:15 बजे अपना यहाँ पे खुला मार्केट और यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे देखिए विथ वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ और देखिए बहुत ही अच्छा और स्मूथ तरीके से काम किया ये। चलिए और पीछे जाके देख लेते हैं। ये देखिए इसके ऊपर ही खुला उस दिन और पूरा दिन उस मूविंग एवरेज के ऊपर ही रहा। चलिए और पीछे जाके देखते हैं। ये देखिए ये तो मूविंग एवरेज के काफ़ी नीचे खुला। तो दोस्तों ऐसी एंट्री मत लीजिए कि आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाए, तो इसको आप स्किप भी कर सकते थे। चलिए और पीछे जाके देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे अपना दिन खुला और ये मूविंग एवरेज के ऊपर ही रहा। ये देखिए यहाँ पे आप कहीं पर भी टारगेट सेट कर सकते हैं। चलिए ये देखिए मार्केट अपना यहाँ पे खुला, नीचे आया, यहीं पे कहीं पे घूमता रहा और फिर ये अपना यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेकआउट दिया। और पूरा देखिए बहुत ही रिलायबल काम करता है। चलिए और पीछे चलते हैं। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, मैं आखिर में बहुत ही ज़रूरी चीज़ बताने वाला हूँ। ये देखिए यहाँ पे अपना मार्केट खुला, यहाँ पे गया, देखिए यहीं पे रेजिस्टेंस लिया और रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे रिजेक्शन मिला और पूरा नीचे। कहने का सेंस ये है कि 50 पीरियड के मूविंग एवरेज को ये कितना रिस्पेक्ट देता है, कितना इस पे कितना अच्छे से वर्क करता है इस पे। चलिए यहाँ पे देखते हैं। ये अपना मार्केट खुला 9:15 बजे, यहाँ तक गया, यहीं से इसको रिजेक्शन मिला और पूरा दिन वहीं पे यहाँ पे आके फिर यहाँ से रिटर्न हो गया। चलिए और पीछे जाके देखते हैं। पूरा ध्यान से देखिएगा तो आपको पूरा समझ में आएगा। और ये देखिए 9:15 बजे अपना मार्केट ओपन हुआ और इसके ऊपर ही ओपन हुआ। ये देखिए यहीं से सपोर्ट ले रहा है। ये देखिए यहाँ पे खुला, मार्केट ओपन हुआ और ये सिंपली ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हुआ और ये यहाँ पे देखिए कितना रिस्पेक्टिवली चलता है। चलिए और पीछे आते हैं। ये देखिए ब्रेकडाउन दिया, चाहते तो आप यहाँ पे भी थोड़ा पॉइंट यहाँ पे भी मिल सकता था, बट ये यहाँ पे गया, अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया। ये देखिए विथ वॉल्यूम ब्रेकआउट,
और देखे पूरा दिन ऊपर ही रहा। चलिए और पीछे चलते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन ओपन हुआ है तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि इस पर स्टॉप लॉस साइज बड़ा हो जाएगा अपना। ये देखिए गाइस, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे आया, फिर अगेन यहाँ पे आया, फिर वहीं से वो रैली कर रहा है। कितना रिस्पेक्टली चलता है, मैंने इस पर खुद भी काम किया हुआ है। और दोस्तों ये एजुकेशनल पर्पज़ में वीडियो है, ये कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। तो आप इसको पहले ऑब्जर्व कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए अपने लेवल पर, देखिए उसके बाद में कंसीडर कर सकते हैं। चलिए और देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे पूरा साइडवेज हुआ यहीं पे आके, फिर यह रिजेक्शन मिला एक बड़ा कैंडल से, और फिर देखिए पूरा नीचे। चलिए और पीछे देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, सॉरी यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ, फिर यहाँ पे रीटेस्ट किया और फिर ऊपर ही रहा। चलिए और देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे गया, सस्टेन नहीं हुआ और फिर और दोस्तों जो सबसे ज़रूरी बात ये है, इसमें ये सेल या टारगेट आप अपने हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं। और दूसरी बात है, ट्रेंड के अगेंस्ट कभी ट्रेड नहीं करना चाहिए। और दूसरा, आप इसको देखिए, जज कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, अगर आपको समझ में आए तो आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू। ऑब्जर्व कर रहा था, मैं सोचा अच्छा स्ट्रेटजी है, आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए, तो एजुकेशनल पर्पज में आपके साथ ये मैं शेयर कर रहा हूँ, आप इसको देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।